आयोजित एशियन गेम्स में भारत के खिलाड़ियों ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम का मैच खेला, जिसमें भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस टीम में करनाल के अनीश बनवाला भी शामिल हैं। इस जीत के बाद करनाल में अनीश के घर में खुशी का माहौल है। बेटी की जीत पर अनीश की माँ और पिता ने क्या कहा, सुनिए। बहुत ज्यादा खुशी है परिवार में भी और पेरेंट्स को भी, रिश्तेदारों में भी काफी उल्लास है कि बच्चे ने देश के लिए कुछ नाम रोशन किया, नाम रोशन किया देश का, काफी खुशी है। कहाँ गेम थे सर, थोड़ा विस्तार से बताइए। ये चाइना में थे, एशियन गेम चल रहे हैं अभी 2023 वाले जी, जो लास्ट पहले 22 में होने थे वो 23 में हो रहे हैं चाइना के अंदर। काफी संघर्ष है आपका, आपके बारे में पढ़ा है कि आपने अपना ग्रुप वगैरह भी काफी दुख पर अनीश के साथ ही रह रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। कब से अनीश को शौक था और कब से खेल रहा था, क्या था समझ? मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो मेरे खुद के विचार हैं, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बच्चा अकेला नहीं कर सकता। कोई भी प्लेयर है, खासकर जो बच्चे छोटे लेवल पे है या थोड़ा ठीक है भाई, 25 साल तक मतलब, तो पेरेंट्स को साथ रहना ही रहना पड़ता है। मेरे तो ये सोच है कि जितने पेरेंट्स हैं जो चाहेंगे मेरे बच्चा कुछ करे स्पोर्ट्स में, तो साथ खड़े हों। मैं एडवोकेट हूँ करनाल कोर्ट में, और मैंने भी काफ़ी दिन प्रैक्टिस की, फिर जब बच्चा थोड़ा स्पोर्ट्स अच्छा करने लगा तो फिर हमने वकालत के पेशे ख़त्म बंद करके मैंने अपना सीधा डायरेक्ट उसके साथ फरीदाबाद ही रहना शुरू कर दिया, और वहीं वो प्रैक्टिस कर रहा है रेगुलर। तो चाइना में बताएं थोड़ा क्या फाइट रही उसकी? फाइट अच्छी थी, फर्स्ट डे तो काफ़ी अच्छी पोजीशन थी, इंडिविजुअल मेडल के उसके वो थे कि फर्स्ट डे तो अच्छा इंडिविजुअल मेडल लेवल पे था। सेकंड डे थोड़ा इतना अच्छा नहीं कर रहा जितना कर सकता था, इंडिविजुअल भी आ सकता था उसका, चलो इंडिविजुअल नहीं आया तो दिन प्रैक्टिस बड़ी अच्छी थी और वहाँ भी अच्छा चल रहा था, और दिन देखा मैंने कई बार तो दिन भी होता है, तो उस दिन मैं सोचता हूँ कि इंडिविजुअल के लिए सिर्फ दिन नहीं था। तब कितने मेडल अनीश जीत चुका है और कौन कौन से ओलंपिक वगैरह में भी मेडल? उसका 2016 के अंदर 16 में जैसे नेशनल में उसके अच्छे मेडल आए थे, नेशनल चैंपियनशिप पूना में हुई थी, 15 में भी मेडल आए थे उसके, पर मेन उसका सीनियर टीम में स्टार्टिंग 2017 में आ गया था। उससे पहले इसने वर्ल्ड चैंपियनशिप थी जूनियर की, जिसके अंदर इसके 2 गोल्ड 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल आया था विद वर्ल्ड रिकॉर्ड, जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड इसके नाम था। शूटिंग में? शूटिंग में जी, 25 मीटर में जी। हाँ जी हाँ जी। तो आपकी चाइना में किस कौन से देश के साथ फाइट थी? मेन जो फाइट वहाँ चाइना, कोरिया और इंडिया की। अनीश के वो तो इंडिविजुअल ही थे, जिसके अंदर गोल्ड चाइना का है जी, और ब्रॉन्ज कोरिया ने, वो सिल्वर कोरिया और ब्रॉन्ज इंडिया का है जी। भविष्य की सर किस तरह की तैयारी है, और थोड़ा ओलंपिक के अपना गेम है किस तरह की तैयारी? तैयारी तो अभी एशियन चैंपियनशिप है जिसके अंदर ओलंपिक का ये कोटा मिलेगा, उसकी तैयारी चल रही है जो नवंबर में होनी है, 20 नवंबर से 2 अक्टूबर तक है, 20 अक्टूबर से 2 नवंबर तक है जी। अब उसकी तैयारी जुटेंगे, आते ही 2-3 दिन अपन घर में रेस्ट करेंगे, उसके बाद तैयारी भी उसी में लग जाएंगे। सर मुश्किल खेल है क्या, कुछ बताना चाहिए कितने घंटे की प्रैक्टिस है? ये जो इसका जो इवेंट है रैपिड फायर, ये अलग इवेंट है जी, फास्ट मूवमेंट है, इसके अंदर 5 शॉट 8 सेकंड में 2 बार, और 2 बार 6 सेकंड, और 2 बार 4 सेकंड, 4 सेकंड में 5 टारगेट के ऊपर शॉट चलाना होता है। इसके अंदर काफ़ी मेहनत है, सुबह हम लगभग जैसे कर्णी सिंह पे रहते हैं उधर शूटिंग रेंज में, सुबह हम 8 से लेकर शाम 5 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं ये। तो अनीश अब क्या कर रहा है, तो पढ़ाई वगैरह कर रहा है? हाँ जी हाँ जी, उसने मैट्रिक तो करनाल सेंट थ्रेसिस स्कूल से किया था, और +2 मानुचरण स्कूल फरीदाबाद, और अब मानुचरण यूनिवर्सिटीज में MBA कर रहे हो फर्स्ट ईयर के अंदर। आपको शुभकामनाएं जी। क्या नाम है तेरा? जगपाल। ज्यादा खुशी हो रही है हम सबको, परिवार को, पूरे परिवार में मिठाइयाँ बट रही हैं, उसके दादा दादी वगैरह गोहाना रहते हैं, हम लोग फरीदाबाद रहते हैं ज़्यादातर, कभी कभी होता है भी करनाल में है, तो अब शाम को निकलेंगे, वो आ रहा है रात को, उसको लेके आएंगे। इसके बारे में थोड़ा बताएंगे विस्तार से, बचपन में किस तरह का स्वभाव था, किस तरह से खेल में आया? नहीं, वो अच्छा था जी बचपन से, मतलब चुस्त था, स्कूल टाइम में भी उसमें हर गेम में पार्टिसिपेट करता था, फंक्शन में भी, सिस्टर भी साथ थी उसकी, तो दोनों कॉन्वेंट से ही पढ़े हैं, था उसका चुलबुला स्वभाव, शांत स्वभाव, दोनों मिक्स था मतलब, पर अच्छा एक्टिव स्टार्टिंग से ही रहा है जो। शूटिंग में आपने उसको कहा या खुद उसकी? नहीं, शूटिंग में हमने तो कुछ नहीं कहा, वो बस पहले स्विमिंग, रनिंग, फेंसिंग, कई गेम थे उसके, उसी में शूटिंग भी एक इवेंट था,
तो धीरे धीरे फिर हम शूटिंग अच्छा करता चला गया और उस पे ही आते चले गए। आगे भविष्य में क्या चाहते हैं आप? भविष्य में जी और अच्छा करे बच्चा, देश के लिए और अच्छा मेडल लेके आए, तो ओलंपिक की भी तैयारी है हाँ इसकी? ओलंपिक की पूरी है तैयारी उसकी और उम्मीद अच्छा ही करेगा। क्या कहना चाहेंगे अन्य माँ बाप को, बच्चों को जो खेलों से अभी भी कहीं ना कहीं वंचित हैं? नहीं देखो स्पोर्ट्स में लेके आना बच्चा मेंटली फिजिकली सारी चीजों में अच्छा है, मतलब एक खाली स्टडी ना करके तो साथ के साथ थोड़ा बहुत फिजिकल फिट रहने के लिए करवाओ, पर करवाओ बच्चों माँ को। बाप का योगदान बहुत ज्यादा हाँ होता माँ बाप का योगदान होता है जी, साथ रहना पड़ता है स्पोर्ट्स में तो बिल्कुल। बेटी मेरी पढ़ रही है, MBBS कर रही है, इंडिविजुअल अपना पढ़ लेता है, पढ़ाई तो कर लेता है बच्चा, पर स्पोर्ट्स में अगर आप लेके आए तो बच्चे के साथ रहना बहुत है। जरूरी बात होता है हुई जी। आपकी मेडल जीतने हाँ के बाद, बात हुई है जी, चाइना से कब आ रहे हैं? आज शाम को, रात को आ रहा है 9 बजे, तो जा रहे हैं उसको लेने थोड़ी तैयारी है देर जी के पूरी लिए। खुशी हाँ मिलेगी बिल्कुल खुशी तैयारी है जी बिल्कुल। जाना मैं आपका। अनीश की मां ने बताया कि जब अनीश घर आएगा तो उसका जोरदार स्वागत किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पिता ने भी बेटे को अच्छी ट्रेनिंग दिलवाने के लिए अपनी वकालत का त्याग किया और वही त्याग आज सफल होता हुआ नजर आया है। ये भी बता दें कि इस प्रतियोगिता में चीन पहले स्थान पर रहा, दूसरा स्थान कोरिया का रहा और भारत को कांस्य पदक मिला है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।